शाह अधमेट का परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर पिछले चैप्टर में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा था और उसके पांच पार्ट थे। यहां पे परसेंटेज को बात करते हैं, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है और कोई भी एग्जाम उठा के देखिए तो प्रत्येक एग्जाम का ये क्या होता है, हिस्सा बनता है। अगर डायरेक्ट रूप में नहीं बनेगा तो इनडायरेक्ट रूप में बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका यूटिलाइजेशन अगर आप देखिए, जैसे क्वेश्चन के मल्टीप्लाई के रूप में देखिए, मल्टीप्लाई सीखना है तो यह मल्टीप्लाई के रूप में क्वेश्चन के रूप में मिल जाता है। दूसरी चीज, इसके रूप में अगर डिवाइडेशन के रूप में देखें तो डिवाइड के रूप में बहुत बड़ा पार्ट मिल जाता है। फ्रैक्शन के रूप में देखें तो फ्रैक्शन भी इसके रूप में बहुत बड़ा आ जाता है। अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो रीढ़ की हड्डी है। एसएससी की बात करें तो भी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। तो आपको बात को समझना पड़ेगा, परसेंटेज हमारा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज की स्पेलिंग देख लीजिएगा, PERCENTAGE। जो परसेंटेज लिख रहा है, जो मीनिंग लिख रहा है, वही आपको उसको आपको क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है। परसेंटेज का प्रति, प्रति एक में, और सेंट का मतलब होता है सौ में, तो सौ में कितना भाग, एक भाग, इट इज कॉल्ड द परसेंटेज। तो इसको बोलेंगे ये क्या है, किस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और यहां पर इसको बोलेंगे एक प्रतिशत, क्योंकि एक प्रतिशत, तो एक प्रतिशत का भाग एक बड़े क्या होता है, सौ होता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलेंगे, परसेंटेज। ये परसेंटेज को क्या हो गया, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसको उल्टा बोल देंगे तो क्या बनेगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे 100 को इससे गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा, 100% होगा, बचा क्या बचेगा 1, तो 100% बराबर क्या होता है 1 की बात करते हैं, तो जहां कहीं 1 आएगा उसको हम 100% की बात करेंगे और 100% के रूप में लिख देंगे। तो पहली चीज हम दो तीन कॉन्सेप्ट के अभी बात कर रहे हैं, पहली चीज को गए, पहली चीज क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, दूसरा है परसेंटेज को फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना। पहला देख लीजिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, दूसरा क्या है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये चीज हो गई। और यहां पर किसी नंबर का परसेंटेज निकालना, यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन की बात करें, अब इसकी बात करें। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, देखिए हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। लिखा है व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट 3/8। देखिए कह रहा है 3/8 जो है ये कितने परसेंट के बराबर होगा, इसकी बात कर रहा है। जब 3/8 की बात बोली तो यहां पे कह रहा है 8 में इसका हिस्सा कितना है, 3। 8 में इसका हिस्सा कितना है, 3, और परसेंटेज किसमें निकलता है तो बताइए 100 में उसका हिस्सा कितना होगा, ये आपको बताना है। 8 में इसका कितना भाग है, 3, और प्रतिशत किसमें निकलता है, 100 पे निकलता है, तो ये इसका कितना भाग होगा, ये भाग बताइए। तो ये इसका अगर देखें तो ये इसका 12.5 गुना है, तो इसका ये भी क्या हो जाएगा, आंसर होगा 12.5 गुना करेंगे तो 12 से गुणा कर दें, 3 × 5 = 15 के 5, 1 हासिल 12, 1 = 36 और 1 क्या होगा 37। ये क्या 100 में 37.5 है, इसे आंसर लिखेंगे 37.5%। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई हो। देखिए जो पिछली बार जो क्वेश्चन बना था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं, और ये ध्यान रखिएगा ये जो 3 या 4 क्वेश्चन जो करा रहे हैं वो एक ही क्वेश्चन का पार्ट है, केवल प्रैक्टिस करने के रूप में हम आपको बताने के लिए इस रूप में लिख रहे हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं, एक एग्जाम्पल सफिशियंट होता है आपको करने के लिए, समझाने के लिए। अब देखिए व्हाट परसेंटेज आपकी स्क्रीन में आ गया हो, क्वेश्चन पढ़ के बता दें, व्हाट परसेंटेज इज इक्विवेलेंट 17/25। यहाँ पे कह रहा है 17/25 जो फ्रैक्शन है इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो 17/25 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो 25 में यहाँ पे कितना भाग है, इसका मतलब है कि 25 में इसका भाग कितना है, 17 है, तो बताइए परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 में इसका भाग कितना होगा।
यहाँ पे ये बात समझ में नहीं आ रही है इसका कितने गुना होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रिलेशन इस पे मिल जाता है, ये रिलेशन ए इसके भाड़े का क्या है, चार गुना है, इसको भी क्या करेंगे चार गुना कर देंगे तो 68% होगा, ये 100 में 68 है इसको बोलेंगे प्रतिशत, तो 68% ही क्या हो जाएगा बराबर हो जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट फ्रैक्शन इज 12 होल नंबर्स 1/2%। तो कह रहा है 12 से ही 1/2% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, 12 से 1/2% को भिन्न में बदलो। तो हमने आपसे सिंपल से बता दी 12 से 1/2 है उसको गुणा करते हैं तो 12 में क्या होगा 24, 24 एक क्या होगा 25, 24 और एक क्या हो जाएगा 25 बटे क्या होगा 2 हो जाएगा, और जब परसेंटेज हटता है इस नंबर को क्या करेंगे 100 से भाग, तो पूरी संख्या हो गई 200 हो गई, और 225 के पहाड़े में कितने बार आता है 8 बार आता है, 25 बटे कितना होता है 200 होता है, इसका मतलब फ्रैक्शन कितना होगा 1/8। ये हमारा ये आंसर हो गया 12 से 1/2% किसके बराबर होगा 1/8 होगा। और ध्यान रखना ये आपके लिए शुरू से लेके आखिरी तक इम्पोर्टेंट होगा, इस थ्योरम को हमेशा लिख लीजिए, 12.5% किसके बराबर होगा। अब यहीं पर इसी को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराते हुए हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करें यहीं पर लिखा होता 8 से ही 1/3% को भिन्न में चेंज करें, तो यहां पे आप क्या करते इसको लिखते 8 के क्या होता 24, 24 एक क्या होता 25 बटे क्या होता 3 होता, और प्रतिशत हटता नीचे क्या होता 100 से भाग देते, 25 के पारे में ये कितने बार है 25 एकम 25, और 25 चौको क्या होगा 100, इसकी वैल्यू क्या होगी 1/12। ये भी फ्रैक्शन हमारे लिए क्या होगा इम्पोर्टेंट, ये हम उन फ्रैक्शन की बात करें प्रतिशत की बात करें जिसको फ्रैक्शन में चेंज करें, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये इसी कैटेगरी का था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, ये क्वेश्चन है फाइंड 8% ऑफ ₹625। ये क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 8% ऑफ ₹625, का मतलब है गुणा क्या है 8%, ये क्वेश्चन है इसको हमको निकालना है 8%, 625 का 8% निकालना है। तो आप देखिए ये 625 लिखेंगे इनटू लिखेंगे ये 8 बटे क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, और यहाँ पे आप इसको गुणा कर सकते हो क्योंकि 25 का पावर 8 बार पढ़ोगे एक रिलेशन बनता है 25 8 200 होता है, तो 2 0 लिख दिया 2 कैरी हो गया 8 से 48 दो क्या हो गया 50 हो गया, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गया तो 50 क्या हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर आपको दो रूल्स के रूप में बात करने जा रहे हैं, देखिए सिंपल से रूल्स की बात को जरा समझिए। यहाँ पे जब ये मल्टीपल आता है तो इस क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई करके कितनी आसानी से कैसे ले सकते हैं इसकी बात, अगर इसकी कैटेगराइज करें इस प्रकार के क्वेश्चन की, तो ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसके रिप्लाइजेशन पे। अब यहाँ पर देखिए पहले प्रकार का क्वेश्चन हुआ कि ये ए नंबर है ए, और ए का 20% निकालना है, वेयर ए एंड बी बोथ आर ऑड नंबर, दोनों कैसे हैं ऑड नंबर है। दूसरी कंडीशन है ये तीसरा सी को डी से, सी का डी से परसेंट निकालना है, वेयर सी और डी, ये जो सी और डी है सी और डी दोनों क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर। तीसरी कंडीशन है एक ऑड नंबर है, एक ऑड नंबर है और एक क्या है इवन नंबर का मल्टीपल है, और इस पे यहाँ पे नंबर्स के रूप में आ जाता है,
ये ऑड और इवन नंबर का मल्टीपल है, तो यहां पे आप इसको बोल सकते हैं ए और बी दोनों ऑड हैं, तो ऑड ऑड नंबर का ऑड नंबर से परसेंटेज अगर पूछा हो तो इवन नंबर का इवन नंबर का इवन नंबर से परसेंटेज पूछा है, इवन नंबर से परसेंटेज पूछा है, ये तीन कंडीशन है। तो इसके रूप में हम कैटेगराइज करके तीन क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जब समझिएगा ये आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाले हैं इस नंबर की बात। देखिए यहां पर ये ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं और ये ऑड नंबर कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 15 का 17% निकालना है, 15 का 17% निकालना है, तो आप जैसे मल्टीप्लाई करके बेसिक तरीके से लगा सकते थे वैसे लगाइए और हम आपको डायरेक्टली बात करेंगे। आप हमको ये बताओगे कि सर जिस 17 का पढ़ा 5 बार कौन 17 बटे 85 8 हासिल होगा, 17 एकम 17 हो गया और 8 हासिल क्या हो गया 25 हो गया 255 हो गया और ये परसेंटेज था, यहाँ पे परसेंटेज का साइन था, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 से भाग देना, तो 100 से भाग दे दिया और 100 से भाग दे दिया 2.55 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पर इस जगह पर इन दोनों के लिए सेम मेथड की बात बोल रहे हैं और ये मेथड देखिए कैसे करें। देखिए अगर ये ऑड और ऑड नंबर है, कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर है, तो इनके रूप में अभी हम केवल कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर्स की बात करें, तो जब भी कभी कॉन्टिन्यूस ऑड नंबर होगा तो इन नंबर को क्या करेंगे, इनके बीच में जो नंबर आ रहा है ये 16 आ रहा है, इसको क्या करेंगे 16 आ रहा है तो 16 का स्क्वायर करेंगे। 16 का स्क्वायर क्या होगा 256 होता है और चूंकि 15 और 16 में एक का अंतर होता है तो इसको एक घटा दीजिए तो आंसर होगा 255 और परसेंटेज में दो संख्या डेसिमल लगाते हैं तो दो संख्या डेसिमल लगाते हैं। समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया ये चीज कर सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन को और आगे करते हैं, इसी के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं या प्रैक्टिस को करने की बात करते हैं। वैसे तुमको तीनों एग्जांपल देना चाहिए, तीनों को समझाना चाहिए, लेकिन ये इसका फर्स्ट कैटेगरीज है। इस प्रकार टोटल मिला के इसकी प्रत्येक की 10-10 कैटेगरीज बनती हैं और इस प्रकार कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ये नंबर था 22, ये 22 था और ये 24 था, 22 का 24% निकालना है, 22 का 24% निकालना है। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे, लेकिन हमने क्या बोला इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा 23, तो 23 का स्क्वायर करेंगे तो 23 का स्क्वायर होता 529 और उससे एक कम कर दें तो 528 होगा, दो संख्या डेसिमल लगा दें आंसर होगा 5.280। तो अब जब देखते हैं आपने जो गुणा किया वो सही किया या गलत किया, इसको देख लीजिए 24 9 48 के 8 4 हासिल, 24 9 48 4 क्या होगा 52, तो 528 आ रहा है और परसेंटेज पे इसका मतलब आपने मल्टीपल किया क्या है सही किया है। तो आप सही तरीके से समझ गए ये क्वेश्चन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप उतार लेते हैं और इसकी हम बात, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, लिखा है 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 36, 25 कितने किसी संख्या का 25% 36 है, तो बताइए वो संख्या क्या है। तो यहाँ पे मान लें 25 पर किसी संख्या को x मान लें, उसका 25% बराबर किसके 36 है, तो संख्या चाहिए तो x बराबर 25 बड़े क्या करेंगे 100 लिखेंगे और इसको 36 के बराबर कर देंगे। अब जैसा ध्यान दीजिएगा ये इस नंबर का क्या है 4 गुना है, तो जो आंसर होगा वो भी 36 का क्या होगा 4 गुना, 25 को इसको कट कर दें 25 एकम 25 25 4 तो इसको 36 से गुणा करें तो x बराबर क्या होगा 36 चौक, तो 4 से गुणा कर दें 6 24 के 4 तो हासिल 6 12 और 2 क्या होगा 14 144 हमारा आंसर। देखिए अब हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं किसी 25%
25%, किसी संख्या का 25% किसके बराबर है, 36 के बराबर है, तो बताइए प्रतिशत, प्रतिशत 100 पे निकलता है, ये इस नंबर का 4 गुना है, तो इस नंबर का 4 गुना कर दें, 144 इट इज योर आंसर। आप इस ये प्योर बेसिक है लेकिन लिखने का तरीका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन है 0.625 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ वन होल नंबर 7/28। अब क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक से ही 7/28 का कितना प्रतिशत 0.625 है। तो अब कह रहा है क्या वन होल नंबर 7/28 का कितना प्रतिशत 0.625 है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इस नंबर को 4 से कट 7 से कट कर 7 एकम 7 7 चौक 28, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 एकम 4 और ये क्या हुआ 5/4 इंटू एक्स बटे क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, बराबर हो जाएगा 0.625 ये नंबर। अब जब देखिए ये इससे यहाँ पे ये इससे क्या होगा गुणा हो जाएगा, अब यहाँ से हमने 4 को इससे सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 100 को इन सबसे गुणा करेंगे और 4 से भाग देंगे, तो पहला तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका है कि इस नंबर को हम इससे कट कर दें तो कितना जाएगा 20, 20 का गुणा इससे कर दें तो x बराबर 0.625 इंटू 4 दुनी 8 इंटू 80। तो अब क्या करें हम इस नंबर को गुणा करें 25 से क्या होगा 200 का 2 जीरो हो जाएगा और 2 कैरी होगा 8 6 48, तो क्या होगा 48 और 2 50 हो जाएगा और एक संख्या ये लगा दें, अब यहाँ पे 3 संख्या और डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50 50, क्योंकि परसेंटेज पूछा है तो 50% इट इज योर आंसर, कितना हो जाएगा 50% हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जब क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, अब यहाँ पे 5/4 5 अगर इसके बराबर है तो बताइए ये 4 किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन के रूप में होता है 5 इसके बराबर है तो 100 मतलब 400 इसके बराबर होगा, इस क्वेश्चन के बेस पे है तो आपका ये 50% के रूप में आंसर मिलता है। अगर भाषा ही चेंज करनी है फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 5 बराबर 0.625, 5/4 बराबर है 0.625 है, तो बताइए 100 बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो जाता है। और आप देखिए जो 4 है इसको चाहे यहाँ पे लिया है तो ये 400 हो जाएगा, इस 4 को हटा दें तो ये इस नंबर के पहाड़े में आता है क्या, लेकिन ये इसके पहाड़े में आता है, ये इस पहाड़े का कितना है 8 गुने से 10 ज्यादा, 5/40 तो ये 8 गुने से 10 ज्यादा है, तो इसका भी क्या करेंगे 8 गुने से 10 ज्यादा, तो पहले हमने 10 ज्यादा वाला क्वेश्चन लिख लिया, 8 से गुणा कर दे 25 से 200 जो कैरी हो गया 8 6 48 तो 50 हो गया, अब यहाँ संख्या डेसिमल लगा दें तो 50%। अब क्वेश्चन में लिखा है लेकिन अंतर देखिए क्या है, इसको करने में आपको क्या होगा इस पर थोड़ी सी आसानी हो जाती है और इस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये ओरल मेथड हो सकता है लेकिन ये क्या होता है ये मेथड में आपको रिटेन में करना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, कह रहा है 25% ऑफ अ नंबर इज 20, व्हाट इज द 40% ऑफ दैट नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 25% किसी संख्या का 25% 20 है तो बताइए उसी संख्या का 40% कितना होगा, 40% कितना होगा, समझ में आ रही बात। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था किसी संख्या का 25% 20 है तो 40% ऑफ दैट नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए क्वेश्चन की बात कर, देखिए किसी संख्या का 25% किसी संख्या का 25% किसके बराबर है, 25% 20 है, किसी संख्या का 25% 20 के बराबर है तो इस संख्या का 40% क्या होगा,
संख्या का 25% 20 है और संख्या का 40% क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए ये क्या इसके पाड़े में आता है तो बताओगे नहीं, और पूछे ये इसके पाड़े में आएगा तो बताओगे नहीं, तो इसको स्मॉल कर लो, 5 से कट कर दो, 25 और 5 को क्या होगा 20 हो जाएगा, इस नंबर का 8 गुना है तो इस नंबर का क्या होगा 8 गुना हो जाएगा, 8 से क्या होगा 32 हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा, तो संख्या का 40% बराबर क्या होगा 32। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, हम इसको पढ़ के आपको सुना दे। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ वीट इज इंक्रीज बाय 12 होल नंबर्स 1/2%, द इंक्रीज इज 5, फाइंड द ओरिजिनल एंड न्यू प्राइस ऑफ द वीट पर केजी। यहाँ पे क्या आ रहा है, यदि गेहूं के 1 किलो गेहूं की कीमत 12.5% बढ़ जाती है तो उसका दाम 5 रुपए बढ़ जाता है, तो बताइए उसके ओरिजिनल और न्यू प्राइस क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है किसी चावल का दाम 1 kg चावल का गेहूं का दाम 12.5% बढ़ जाता है, 12.5% बढ़ जाता है उसका दाम क्या होता है 5 रुपए बढ़ता है। यहाँ पे 12.5% बढ़ रहा है इसलिए क्या हो रहा है 5 बढ़ रहा है, तो बताइए 100। और यहाँ पे ध्यान रखना ये परसेंटेज हमने इसलिए नहीं लिखा, अगर परसेंटेज इसको लिखेंगे क्योंकि 100 में आ रहा है इसलिए परसेंटेज है, सर 100 में क्या होगा। अब ये देखिए अगर इसको दुगना कर देते 12.5 का दुगना करेंगे तो 25 रहेगा, 25 का 4 गुना है तो इसका मतलब ये इस नंबर का 8 गुना है, 12.5 का 8 गुना करोगे, 12.5 का 8 गुना कर रहे हो तो 100 आ रहा है, तो आंसर भी क्या होगा इस नंबर का 8 गुना होगा, 8 पॉइंट क्या होगा 40 हो जाएगा, तो उसका ओरिजिनल रेट क्या होगा, ओरिजिनल रेट किसके बराबर होगा 40 के बराबर। न्यू रेट की बात करें तो न्यू रेट क्या होगा इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगा, तो न्यू रेट क्या हो जाएगा न्यू रेट बराबर इन दोनों को जोड़ दें 40 और क्या होगा 45 के बराबर, तो 45 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया, हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं। राम एंड मोहन अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स इज 60 एंड परसेंट डिफरेंस ऑफ देयर मार्क्स इज गिवन एज 30, फाइंड द फुल मार्क्स फॉर विच एग्जामिनेशन हैज बीन हेल्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक एग्जामी राम और मोहन के अंकों में 60 का अंतर है तथा उनके परसेंटेज में 30 का अंतर है, तो बताइए कि परीक्षा में फुल मार्क्स कितने थे। देखिए राम और मोहन के जो नंबर का अंतर है वो कितना है 60 है, तो 60 लिख दें और परसेंटेज में कितने के बराबर अंतर किसके 30% के बराबर है, तो 30% चूंकि 30% है यहाँ पे प्रतिशत पे है और ये गिवन है नंबर किताब में गिवन है उसकी बात करें तो ये परसेंटेज है, तो फुल मार्क्स किस पे हो जाएगा 100 में 30 है तो 100 मान लें, तो आप देखिए इस पे रिलेशन देख के देखते हैं ये इस नंबर का कितने गुना है 2 गुना है, इस नंबर का भी क्या करें 2 गुना कर दें तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, इट इज आवर आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई होगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ चुका है, अगर स्क्रीन में आ चुका है तो याद समझिएगा, हम पढ़ के बता दे रहे हैं। वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 25% ऑफ मिल्क, द अदर कंटेन्स 30% ऑफ मिल्क, ए कैन फिल्ड विद 6 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट ऑफ द सेकेंड लिक्विड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर। तो यहां पर देखा है एक प्रकार के लिक्विड में 25%, एक प्रकार के लिक्विड में 25% मिल्क है और दूसरे प्रकार के लिक्विड में 30% दूध है। अब कह रहा है पहले वाले भाग को का 6 भाग निकाला जाता है, पहले वाला भाग का 6 भाग निकाला जाता है मिलाया जाता है और दूसरे वाले का 4 भाग मिलाया जाता है, तो बताइए मिक्सचर के बाद जो मिक्सचर बनेगा मिक्सचर के बाद दूध का प्रतिशत क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। देख लीजिए फिर से, पहले मिक्सचर में
पहले जो लिक्विड है उसमें 25% दूध है और दूसरा जो लिक्विड है उसमें 30% है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। कैसे मिक्स किया जाता है, पहले वाला जो लिक्विड है उसका 6 भाग और दूसरे लिक्विड का 4 भाग मिला लेकर इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, तो जो नया मिक्सचर बनता है उस पे दूध का परसेंट क्या होगा। तो दूध का परसेंट जो होगा वो 25 से ज्यादा होगा और 30 से क्या होगा, कम होगा, तो मान लो उसको एक्स होगा। और इन दोनों का जो ये जो डिफरेंस होगा वो यहाँ होगा और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका जो आंसर होगा ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो इन दोनों में ये 30 से कम होगा लेकिन 25 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पे एक काम कर दीजिए, इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म बना दीजिए, 6 और 3 का अनुपात चाहिए। तो आप जब बताइएगा 25 में क्या घटा दें किसके बराबर आ जाए, तो आप बताइएगा तो 25 और तो 27 जोड़ दें तो एक्स बराबर क्या मान लें, 27 मान लें। तो देखो 25 से ये क्या है, कैसे हुआ 25 और 2 27, ये 25 से ज्यादा होना चाहिए, तो 25 से 2 कितना ज्यादा होना चाहिए, 2 ज्यादा होना चाहिए 27, और किससे कम होना 30 से 27 ये आना चाहिए, 30 से ये क्या होना चाहिए 27, ये 30 से क्या होना चाहिए 3 कम होना चाहिए, 30 से कम कर दे तो क्या हो रहा है 27, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उस पर 27% क्या होगा, 27% हमारा किसके बराबर होगा, 27% क्या होगा, मिल्क होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द डेली वेज इज इंक्रीज बाय 20% एंड अ पर्सन नाउ गेट 24/day, व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर द इंक्रीज। एक व्यक्ति का डेली वेज 20% बढ़ जाता है तो एक उस व्यक्ति को 24 रुपए प्रतिदिन ज्यादा प्राप्त होते हैं। यदि उसका डेली, तो बताइए उसको पहले कितने प्राप्त होते थे, 29 से पहले उसको कितने रुपए डेली वेज के रूप में प्राप्त होते थे। अब देखिए 20% बढ़ गया, अगर 20% बढ़ गया तो इसका मतलब 100 था, 100 में 20 बढ़ गया तो क्या हुआ 120 हो गया। 20% बढ़ गया मतलब 100 में 20 बढ़ गया तो अब क्या 120 हो गया और उसको डेली वेज कितना ज्यादा मिलने लगा, 24 ज्यादा मिलने लगा। तो बताइए ओरिजिनल उसको पहले कितना मिलता था, तो 100 बराबर चाहिए, जीरो से इसको कट कर दे तो ये नंबर का 2 गुना है तो 10 का 2 गुना हो जाएगा 20। तो ओरिजिनल डेली वेज पहले कितना था, 20 रुपीज पर डे। उम्मीद करते हैं ये सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये आपका काम है, इस काम को आप ईमानदारी से कीजिए। और जो लोग न्यू कमर हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें ना। और दूसरी चीज ये बात करना चाह रहे हैं, देखिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि जिन लोगों को जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम PDF लेके आए हैं, और ये PDF जो फेसबुक में है वो हमारे पेज को फॉलो करें, और जो व्हाट्सएप पे है वो हमें ग्रुप में ज्वाइन करें, और इसका डिस्क्रिप्शन हमारे वीडियो के अंत में आपको मिल जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेली वेज इज डिक्रीज बाय 15% एंड अ पर्सन नाउ गेट्स 17 पर डे, व्हाट वाज हिज डेली वेज बिफोर द डिक्रीज। एक व्यक्ति की डेली वेज में 15% कम हो जाता है तो उसे 17 रुपए पर दिन डेली वेज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बताइए डिक्रीज के पहले उसका डेली वेज क्या था, समझ आ रहा है, 15% की कमी आ जाती है। एक व्यक्ति के डेली वेज में 15% की कमी आ जाती है तो इसका मतलब 100 में 15 की कमी आ गई, तो 100 में 15 की कमी आ गई तो मतलब क्या होगा उसका 85% 85% है लेकिन अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसको कितना रुपए मिलता है, डेली वेज कितना मिलता है, 17 रुपए मिलता है। अब यहाँ पे कह रहा है उसका ओरिजिनल डिक्रीज के पहले उसका कितना था इसकी बात करें, तो देखिए इस नंबर को अगर हम 5 से भाग दें, 85 को 5 से भाग दें या ऐसे करें इसको इससे गुणा करें तो क्या होगा, या हम इसको 5 से कट ही कर दे रहे हैं, 5 से इसको कट कर दे तो 5 एकम 5 और 5 35 17 बचे 85 20 17 के बराबर, तो बताइए 20 के क्या होगा, बराबर हो जाएगा ये आंसर।
दूसरी चीज हम जो बताने जा रहे हैं तो उस बात को भी समझिएगा कि 20 के बराबर था, अगर इसका 5 भाग करिए, इसको 5 से भाग दे तो 17 आ जाता है, सर इसको 5 से भाग दें तो भी क्या होगा, आंसर हमारा क्या होगा, 20 के बराबर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वैरायटी की बात करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब हम आपको थोड़ा सा थ्योरी की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात कर रहे हैं। मान लेते यहां पर ये नंबर एन वन है और ये नंबर क्या है एन टू है, और जब इन लोगों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, इनका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, मल्टीपल आता है। ये जो मल्टीपल आएगा, अब देखिए इस नंबर को हमने क्या किया, बढ़ा, इसको बढ़ा दिया ये घटा दिया, बढ़ा दिया ये घटा दिया, तो अब ये बढ़ गया और ये घट गया। मान लीजिए ये बढ़ गया तो हम चाहते हैं कि इसके प्रोडक्शन में कोई, इसके रिजल्ट में कोई चेंज ना आए, तो अगर ये बढ़ गया, ये बढ़ गया तो ये परसेंटेज क्या होगा, घटना पड़ेगा, और अगर ये घट गया तो परसेंटेज क्या होगा, बढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब दो संख्याओं का मल्टीपल, एक का मल्टीपल एक तीसरी संख्या आती है और उनका ये वैल्यू अगर कॉन्स्टेंट है तो इनके मल्टीपल का क्या यूज होगा उसकी बात। मान लीजिए एक जगह कुछ कर्मचारी काम करते थे, कुछ मैन पावर थी और वो कुछ घंटे काम करती थी, तो इसके मैन पावर कुछ घंटे काम करेगी तो यहाँ प्रोडक्शन होगा। अब मैन पावर की संख्या को अगर हम मान लें बढ़ा दें, अगर मैन पावर को संख्या को बढ़ा देंगे, हम चाहते प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन ना आए, मैन पावर बढ़ा रहे प्रोडक्शन उतना ही होता रहे, तो हमको उसके काम करने के पर घंटे काम करने के, जो भी फैक्ट्री में काम करने उनके उनके घंटों की संख्या कम करनी पड़ेगी, या हम मैन पावर को कम कर दें और हम चाहते प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन ना आए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, काम करने वाले घंटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आंसर होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड है, जब इस प्रकार बढ़ेगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मेथड कहलाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये मेथड काम करता है। इसी प्रकार मैंने आप क्वांटिटी थी, मान लीजिए 40 रुपए पर केजी की शक्कर हम लोग यूज करते थे और 5 किलो शक्कर हम लोगों ने यूज की, 5 किलो क्वांटिटी ये क्या है, पर कॉस्ट क्या है, मान लीजिए 40 रुपए पर केजी कॉस्ट वाली शक्कर को हमने क्या किया, 5 किलोग्राम यूज किया, तो ये कॉस्ट है, ये क्वांटिटी है, तो ये क्या आएगा, ये हमने कितनी कंजम्पशन की है शुगर, कितना परचेजिंग की है, तो ये परचेजिंग पावर समझ में आ जाएगी, क्या जाएगी, परचेसिंग पावर, ये परचेसिंग पावर, परचेस कितना किया है इसकी बात है, ये परचेसिंग कॉस्ट है। अब चीनी का दाम क्या हो गया, बढ़ गया, चीनी का दाम बढ़ गया तो क्वांटिटी जो यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन चाह रहे हैं उसका उपयोग क्या हो, ये कोई परिवर्तन ना हो, तो ये बढ़ेगा ये घटेगा, और अगर ये कॉस्ट घट गई तो उसको उपयोग कितना बढ़ा दें, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, इस प्रकार के क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे उसकी बात है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हम यहाँ पर आप ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं इसी क्वेश्चन की थ्योरी पे, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, या समझ लीजिएगा क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीज बाई 25%, बाई व्हाट परसेंट शुड बी वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। देखिए कह रहा है किसी फैक्ट्री में मैन पावर की कमी होने से प्रोडक्शन क्या होता है 25% कम हो जाता है, तो बताइए कि वर्किंग आवर को कितना बढ़ाया जाए कि जो हमारा इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन, कि हम पहले जैसा प्रोडक्शन प्राप्त कर सके। अब देखिए क्या है, टू ड्यू टू फॉल इन मैन पावर 25%। अब मान लीजिए वहां पर फैक्ट्री में संख्या कितनी थी, 100 थी, 100 में अगर 25 कम हो गई तो क्या होगी, 25 कम हो गई तो क्या होगा, अब मैन पावर क्या बची, 75। ठीक है, पहले 100 थी, 100 में 25 कम हो गई तो क्या बची, 75 हो गई। तो अब जा देखिए यहां पे 25 कम की तो ये हो गई, 100 में 25 कम की तो 75 हो गई, अब 75 को फिर से 100 बनाना है तो हमको 25 बढ़ाना पड़ेगा, तो लेकिन बढ़ा कितने हैं, 75 में 25 बढ़ा रहे हैं, जबकि उनको बढ़ाना किसमें चाहिए था, परसेंटेज हमेशा 100 में निकलता है इसकी बात करें।
तो देखिए इस नंबर को अगर हम तीन से भाग दे दें, तीन से भाग दें, 75 का 1/3 भाग क्या होता है 25 होता है, जैसे 100 का 1/3 भाग निकालें, 100 को भी तीन से भाग दे दें, तीन से भाग देंगे तो 33 संख्या 99 और 1 बच जाएगा, तो 33 सही 1/3 परसेंटेज क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। फिर से सोच लीजिएगा, अभी फिर से एक क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को जब समझाते हुए बात कर रहे हैं। मान लीजिए पहले पहले मैन पावर 20% कम है, ये एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 20% कम हो गई, तो 100 में 20 कम हो गई, 100 में 20 कम हो गई तो बताइए क्या बचेगी, अब मैन पावर क्या बचेगी 80। अब वर्किंग आवर घटाना बढ़ाना है तो वर्किंग आवर बढ़ाना है तो 80 में, फिर से हम 100 पे आ जाए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, तो 80 में कितना बढ़ा रहे हो 20 बढ़ा रहे हो, और परसेंटेज किस पे निकलता है 100 पे, ये इस नंबर का 1/4 भाग है, मतलब अगर इस संख्या को 80 को 4 से भाग दे दें तो 20 आंसर आ जाता है, इस नंबर को 4 से भाग दे दें तो क्या होगा 25 आ जाएगा, क्योंकि ये बहाया था तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 80 से 20 हो रही है, 100 में कितना बढ़ाना पड़ेगा 25% इज योर आंसर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आ गया होगा, हम आपको पढ़ के भी सुना दे रहे हैं। देखिए कह रहा है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट और द सेकंड। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 50% ज्यादा है, तो बताइए दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत पहली संख्या है। समझ में आ रही है, तो अगर हम तीसरी संख्या को 100 मान लें तो ये जो पहली संख्या है इससे 20 ज्यादा है, एक 20 ज्यादा है तो क्या होगा 100 से 20 ज्यादा मतलब 120 हो गई, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से कितनी ज्यादा है 50 ज्यादा है, इसको क्या मानेंगे 50 मानेंगे। तो क्वेश्चन क्या बचा, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या यह है का कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत क्या है पहली संख्या, तो इसको इस प्रकार लिखना सीख लीजिए, इस प्रकार जीरो से जीरो कट कर दें तो ये इस नंबर का 8 गुना है, 15 × 120 होता है, इसका भी 8 गुना कर दें तो 10 का 8 गुना क्या होगा 80%, तो कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का 80% है। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, चलिए जल्दी से लाइक कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन अ थर्ड नंबर, व्हाट परसेंट इज द सेकंड ऑफ द फर्स्ट। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% कम हैं, तो बताइए कि पहली संख्या का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% क्या है कम है, 30% कम है, तीसरी संख्या को हम 100 माने तो 100 से 30 कम हो गई तो पहली संख्या 70 हो गई, और दूसरी संख्या 40 कम है तो दूसरी संख्या क्या हो गई 60। पहली का कितना प्रतिशत, पहली का कितना प्रतिशत दूसरी संख्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये इसके पहाड़ी में नहीं आता है तो इसको हटा देंगे, लेकिन ये इसके पहाड़ी में भी नहीं आता तो हम क्या करेंगे, इसको हमने हटा दिया, इसको एक मान, जीरो से जीरो कट कर दिया था, ये इसके पहाड़ी में नहीं आ रहा है तो इसको हमने हटा दिया, ये इसके पहाड़ी में नहीं आ रहा है तो हमने क्या किया इस नंबर को हटा दिया, इसको एक मान लिया, तो ये इस नंबर का कितने गुना है 6 गुना है, तो इस नंबर का भी क्या करेंगे 6 गुना करेंगे तो क्या हुआ 600 आंसर। या मैं से बोले ये इससे 2 जीरो ज्यादा है तो ये इससे भी क्या होगा 2 जीरो ज्यादा होगा 600, और जो नंबर हटाया था उससे क्या करें भाग देंगे, तो जैसे भाग देंगे तो ये कितने में आ जाएगा 7 × 8 क्या होगा 56 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, फिर भी 5 बच जाएगा, 85 से 5 = 7 परसेंटेज इट इज योर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अगर आप न्यूकमर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर दूसरी चीज, अगर आपको सीरियसली पढ़ रहे हैं आप,
अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं और पेन और कॉपी लेके बैठ रहे हैं तो क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन की पीडीएफ अगर आप हमको फेसबुक में है तो फेसबुक के पेज को हमको फॉलो कीजिए, अगर व्हाट्सएप में है तो व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, और आपका जो प्यार अपनत स्नेह लगाव जो हमको मिल रहा है अल्टीमेट कप टीम को मिल रहा है उसके लिए हम लोग आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। अगले वीडियो में फिर से आपकी मुलाकात हमारी आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिए धन्यवाद।